कि त्रिपुरा एक जमाने में ऐसा छोटा सा नहीं था। त्रिपुरा पूरा आपका जो बे ऑफ बंगाल, सुंदरबंस और आसाम तक, कछार दिमासा का जो एरियाज है, राइट अप टू आराकान जो अभी बर्मा है, यहाँ तक हम लोग का पूरा टेरिटरी, हमारा पूरा जगह था। जो जो त्रिपुरा में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आज, ये जो हमारा नया साल है, ये बाकी जगहों में भी सेलिब्रेट होता है, वहाँ भी मनाते हैं। ये हमारा किरात देश में हमारे जो लोग हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं टिबेटो बर्मन या टिबेटोस साइनो पीपल। तो ये सब में हमारा कॉमन है। जब ठंडी का मौसम खत्म होता है और हल्का से गर्मी शुरू होने लगती है, तब हम लोग झूम खत्म होके बरसात का इंतजार करते हैं। तो इस समय में जो हम लोग हैं, हमारा जमीन पर और जमीन हमारे ऊपर निर्भर करती है। यह हमारा हमारा जमीन सबसे महत्वपूर्ण है। ये नहीं हो तो हम लोग भी नहीं होंगे। आजकल के जमाने में हम लोग सब कुछ भूल गए हैं। झूम आजकल इतना नहीं होता जैसा पहले होता था। रबड़ हर जगह में लग रही है। कल के दिन हम लोग क्या खाएंगे, आपने ये सोचा है? हम लोग के सिर्फ कल्चर प्रोग्राम में भी ये देखने को मिलेगा, हमारे नाच गाना में ही ये दिखाई देगा। पर जो हमारे इंडिजिनस फूड, हमारे जो पहले ज़माने में अलग अलग किस्म का जो चावल होता था, सब्जी होता था, ये अभी नहीं है। लोग भूल गए हैं कि हमारा झूम के साथ में कितना महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसीलिए हम लोग भी बाबा बरिया या लम्प्र पूजा हो या जितने भी हमारे नेचर वर्शिप है, हमको इसको याद करके दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। एक और बात है, अभी ये हमारा 1434 त्रिपुरा अब्द हम लोग का ये साल है। जो बंगाली वर्ष है वो हम लोगों से 3 या 4 साल छोटा है, कम है। तो हमारा जो ये वर्ष है ये बहुत प्राचीन है और बहुत महान है। महाराज जुजुर खान ने जब युद्ध किया था और बाहर से जब लोग आए तो उनको हराने के बाद में उन्होंने ये ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए उन्होंने ये त्रिपुरा अब्द शुरू किए। उस समय और उसके बाद में जब भी त्रिपुरा में कोई भी सिग्निफिकेंट या ज़रूरी काम होता था, ऑफिशियल चीज होता था, उस समय त्रिपुरा महाराज फर्स्ट बैसाख, पहला बैसाख यानी कि हम लोग का त्रिपुरा अब्द से ही आरंभ करते थे। महाराजा वीर विक्रम ने भी जो त्रिपुरा का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन पहला बैसाख में त्रिपुरा अब्द में ही उन्होंने आरंभ किया। तो इतना प्राचीन है और हम लोगों को इस दिन को नहीं भूल के और आगे बढ़ाना है। बाकी देशों में अभी भी उनका जो नया साल है, अभी आसाम में बिहू है, चकमा बिजू करते हैं, नेपाल में भी आज नया साल है, श्रीलंका में भी है, थाईलैंड, पूरा साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, बहुत जगह में ये सेलिब्रेट होता है। और वो लोगों को शर्म नहीं होती है, वो लोगों को खुशी होता है कि ये हमारा नया साल है और हमको इस दिन से ही अपना कैलेंडर आरंभ करना है। पर हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग को सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर ही फॉलो करना है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग को दुनिया के साथ चलना है, पर हम लोग को कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए कि हमारा एक अपना आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी हम लोग सब त्रिपुरासा का आइडेंटिटी है। कोई भेदभाव नहीं है, आप लोग इसको बढ़ाइए और इसी में हम लोग का थामसा है और हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही बोल के हम आप सबको एक बहुत खुशी और अच्छा साल आपको हम आगे आपको हम हमारे तरफ से, और बाबा गौड़िया का पूजा भी होगा, हम सब की तरफ से हमारे हार्दिक शुभकामनाएं देकर अंत करते हैं। थैंक यू। हम बाय।